जो दिव्यांग सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दिव्यांग यूट्यूब चैनल के आप सीईओ हैं, आप इसको आप देख सकते हैं, दिव्यांग सेवा संस्थान के बारे में जान सकते हैं, और जो पूर्ण रूप से शारीरिक अक्षम लोगों के लिए कार्यरत है और बहुत अच्छा कार्य कर रही है। तो मैं बुलाना चाहूंगी श्री विष्णु बालमेश्वर जी को। जिनके हाथ नहीं है उनके हाथ बने और जिनके पाँव नहीं है उनके साथ चले। विश्व की सभी भाषाओं में यूनिसेफ ने इन लाइनों को, पूरे गीत को इंटरनेशनल लेवल पर इस्तेमाल किया। ये सौभाग्य है हमारे गुरुजनों का, उनका आशीर्वाद है, आदरणीय घोषदा का आशीर्वाद है, आदर्श मानव सेवा समिति का। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि ऐसे प्रांगण में आया हूँ जिसने शताब्दी से ऊपर चल के कीर्तिमान को बनाया है और श्री वृद्धि की है। आदरणीय हमारे संस्कृत भारती के अध्यक्ष महोदय भी आपको संबोधित कर रहे थे, और मैं ये समझता हूँ जैसा मैंने कहा था कि गीली माटी से ही हम किसी चीज का निर्माण कर सकते हैं, और इसका सबूत है प्राइमरी सेक्शन, उसके बाद इंटरमीडिएट और उसके बाद ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट। तो ये जो सीढ़ी दर सीढ़ी हमने सफर तय किया है इन मंजिलों पर चलने के लिए, जिन विचारों के सशक्त चरण की आवश्यकता है वो आपसे संबोधित है। दिव्यागम के अध्यक्ष आदरणीय श्री मिश्रा जी, तालियां बजाएं ईमानदारी से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा धन्यवाद। मैं बार भूत हूँ मानव आदर सेवा समिति के आयोजकों के पद, और मेरे परम मित्र पल्लव जी जो कि बहुत ही समाज सेवी व्यक्ति हैं, मेरा बहुत पुराना उनसे संबंध है और उन्होंने यह अवसर दिया, उनके प्रति मैं विशेष कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, और यहाँ पे जितने लोग आयोजक हैं उनको नमन करता हूँ। आदरणीय पल्लव जी ने यह अवसर जो दिया मेरे परम आदर्श, बल्कि आप सभी लोगों के आदर्श विवेकानंद जी के जन्मदिन के एक दिन पूर्व, और इस जयंती पर जब दिव्यांग सेवा समिति की तरफ से, दिव्यांग सेवा संस्थान की तरफ से, दिव्यांग यूट्यूब चैनल की तरफ से जब मैं यहां आता हूं, तो हमारे उस मानस मानव सेवा रूपी दर्पण को एक प्रकाश मिलता है आप लोगों की ऊर्जा से, आप लोगों के प्रोत्साहन से। व्यक्ति जन्म लेता है, व्यक्ति अपने परिवार का पालन पोषण करता है, और अगर कदाचित देखा जाए तो पशु भी अपने बच्चे का पालन पोषण करते हैं। पालन पोषण उनकी एक सीमाएं हैं, और उस पालन पोषण में बच्चे को दूध पिला के छोड़ देती वो अपने आप चला जाता है। हम भी अपने बच्चों, अपने परिवार और बच्चों तक अगर सीमित रहेंगे तो हमारी और पशुओं में कोई अंतर नहीं। मानव की परम आकांक्षा, परम ध्येय और परम केंद्र बिंदु होता है मानव सेवा, और मानव सेवा में सबसे ज्यादा जो वंचित श्रेणी के लोग हैं, जो दुर्लभ श्रेणी के लोग हैं, जो आज आप देखते हैं बहुत से लोग हमारे जाते हैं और कम्बल बांट के चले आते हैं, और कम्बल मिल जाता है, शुभ है बाहर। हम रात में भी 6-7 दिन पहले हमारी टीम गई थी और बहुत सारे लोगों को देखा, किसी की दुकान के सामने पड़े हुए हैं, कोई डिवाइडर के ऊपर पड़े हुए हैं, और इस तरीके से दिव्यांग सेवा के बहुत सारे दिव्यांग लोग भी उसमें पड़े हुए हैं। हालांकि काफी रैन बसेरा बने हुए हैं, इसके बावजूद भी प्रशासन बड़ा काम करता है, उनको ले जाता है, लेकिन फिर भी पूरे नहीं हो पाते हैं कुछ कारणों से। तो हम लोग जितना किसी मानव की, किसी वंचित की जब सेवा करते हैं, आप लोग देख रहे हैं मैं दिव्यांग हूं, विकलांग हूं, कदाचित आप लोगों को बड़ी दया आ रही होगी, कुछ लोग बेचारा कहते होंगे, मैं जब से जन्मा हूं तब से बेचारा शब्द सुन रहा हूं, लेकिन उस बेचारे शब्द को मैंने बहुत दूर फेंक दिया, और मैं चाहता हूं कि जितने दिव्यांग है, जितने जरूरतमंद व्यक्ति हैं, अगर हम उनके पास मस्तिष्क है और कुछ भी शरीर में नहीं है,
तो अगर मस्तिष्क जो नियंत्रण कर सकता है तो वो बेचारा करे, वो कुछ न कुछ काम कर सकते हैं। और इस बात के लिए मैं हमेशा ही इस बात की आलोचना करता हूं कि कोई मुफ्त में कोई चीज दे दे, कोई मुफ्त में किसी का सहयोग करे, इस बात की मुझे बड़ी दर्द है। हाँ, किसी की अगर आपको सहयोग करना है, किसी का आपको कुछ सही कुछ देना है, उसकी दुकान खुलवाइए और उससे दुकान पे कहिए कि आप दुकान करके ये पैसा हमारा वापस करें, और ये पैसा जब वापस करेंगे तो किसी दूसरे व्यक्ति को लगा के दिया जाएगा। ऐसे हमने किए हैं, कम से कम 25-30 लोगों को दुकानें खुलवाई और किसी को हमने अनुदान नहीं दिया, हमने उनको ब्याज मुक्त ऋण दिया और एक सीमा दी, जैसे 20 महीने का सीमा दी, 30 महीने का सीमा दी, और उसमें हमारा व्यक्ति ला करके उससे इंस्टॉलमेंट लाता था, वो इंस्टॉलमेंट ला करके हम दूसरों को देते थे। इससे अच्छा होता है, जब आप किसी को दे आते हैं तो उसको हमेशा उपापेक्षी बना देते हैं, उसको भिखारी बना देते हैं। हमारा ध्येय होना चाहिए कि हम किसी को भिखारी न बने। विवेकानंद जी हमेशा ही युवकों के समग्र विकास की ओर चिंतित रहते थे और उसके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। उस पल की याद कीजिए जब उनको मात्र कुछ पल के लिए, कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए बोलने के लिए दिया गया था और उन्होंने हिंदू शब्द के ऊपर बोल करके सबकी तालियां बटोरी थी और सबके हृदय सम्राट बन गए थे। हमारा हिंदुत्व ही ये बात कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, एक भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः। मैं ये चाहता हूँ हम लोग इस एक संदेश को एडॉप्ट करें कि किसी को दुख न हो, किसी को कष्ट न हो, किसी को पीड़ा न हो, और अगर किसी को पीड़ा होती है उसका पीड़ा निवारण का प्रयास हो, पीड़ा निवारण की प्रयास। आप किसी रूप में जो कुछ भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि धन से ही पीड़ा का निवारण हो सकता है। पीड़ा का निवारण हमें मनोवैज्ञानिक उसका सपोर्ट, मनोवैज्ञानिक उसका सहयोग लेकर के भी पीड़ा का निवारण हो सकता है। उसको सच्चा रास्ता जो भी अगर हम दिखा सकते हैं तो उसका भी पीड़ा निवारण हो सकता है। हमारे आज युवा युवतियां बहुत ही अच्छा स्टार्टअप का जो कार्यक्रम अभी मैंने देखा, मानो आदर्श सेवा समिति की तरफ से शुरू किया जा रहा है, उसपे युवकों को लगना चाहिए, युवतियों को लगना चाहिए। आज युवक युवतियां बड़े संक्रमण काल में है। हमारा मैं थोड़ा समय रखना सहित अपने युवकों से इस बात का निवेदन करना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया का हमारे युवक युवतियां उसका सदुपयोग करें, उसका पॉजिटिव रूप लें, उसका निगेटिव रूप न लें। उसमें जो लोग बहुत से ऐसे आते हैं कि हम अपनी पुरानी पीढ़ी के प्रति विद्रोह करते हैं, ये विद्रोह नहीं करना चाहिए। हमको समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है। हम जब समन्वय स्थापित करेंगे तभी आगे हम रास्ता कर सकते हैं। पुरानी पीढ़ी की अगर कोई कमियां हैं तो उनका परिमार्जन करें, लेकिन उस परिमार्जन में उनकी आलोचना करें, उसमें ये करें जो कुछ भी उनकी देश उस देश काल में जो भी उसके सीमित दायरे में जो कुछ जितना उनके साथ संभव था पुरानी पीढ़ी ने उतना किया, हमारी पीढ़ी ने किया, हमसे पहले की पीढ़ी ने किया, अब आपकी पीढ़ी है, इसको परिमार्जन करें। आपके पास साधन है, आपके साधन, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है और इस इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करके आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम से बहुत अभिभूत हूँ और आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। विशेषकर मानव आदर्श सेवा समिति को सतत बंधन करते हुए मानव आदर्श सेवा समिति के हमारे पल्लव घोष जी दिखाई नहीं पड़े हैं, लेकिन पल्लव घोष जी को मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ और उनके इस कार्य को मैं सराहना करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। बस एक बात मैं कहना चाहूंगा, एक शेर कहना चाहूंगा, बाधाएं आती हैं तो मैंने तो अपने जीवन का एक संकल्प बनाया है, बाधाओं से कहो हमारे पथ में आए, हम जिंदा दिल हैं, हमें जीना आता है, हम जिंदा दिल हैं, हमें जीना। धन्यवाद। बाधाओं से कहो हमारे पथ में आए, हम जिंदा दिल हैं, हमें जीना आता है। हमने तो खोदा है पहाड़ की चोटी को, हमने तो जीता है पहाड़ की चोटी को, कैसे तुम आगे बढ़ोगे ये तुमसे कहना आता है, ये तुमसे कहना आता है। हमारे अरुणा सिन्हा जो दिव्यांग है, उन्होंने पहाड़ की चोटी, आप सब लोग जानते होंगे, इसी थोड़ी दूर पे करीब 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर पे रहती हैं, शहीद कॉलोनी में, और मेरी बहुत प्रिय हैं।
तो उन्होंने दोनों पैर उनके कटे थे, उन्होंने पहाड़ की चोटियों के ऊपर तिरंगा ध्वज फहराया था, वो पद्मश्री हैं। तो उससे उनसे प्रेरणा लेना चाहिए, उनसे हमें अभिभूत होना चाहिए। हम जब दो हाथ दो पैर और चलने फिरने वाले सक्षम लोगों को अरे क्या करें ये तो सब कुछ है, रोजगार नहीं मिलता है, क्या करें अब तो सब हमारा जीवन बेकार हो गया है कुछ नहीं, तो इन ऐसे लोगों को हम लोग प्रेरणा। मैं इस व्हील चेयर से आया हूँ और व्हील चेयर से जब चल के आया हूँ मैं आपको थोड़ी सी, जब हमारे पंडो जी ने कहा कि थोड़ा और बोलिए तो मैं बोले देता हूँ, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को अगर बोरियत हो तो बता दीजिएगा। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, मैं जब बहुत छोटा था 3 साल का था तो मेरे पिताजी ने मुझको पढ़ने के लिए भेजा और मैं 2 किलोमीटर बैठे बैठे चल के जाता था और उस समय गांव का स्कूल था तो मैं अंडरवियर पहन के जाता था, बस्ते में अपने झोला में पैजामा रख लिया करता था, स्कूल जाकर के पैजामा बदल लिया करता था और कक्षा 1 से 5 तक तो मैंने पढ़ा इस तरीके से, फिर 6 से 8 तक पढ़ना थोड़ा दिक्कत थी लेकिन उसको भी पढ़ाई और 9th 10th में उस जमाने में सन 78 में मेरी उस समय कदाचित ये आपको बताते हुए मैं गौरवान्वित हूं, मैं पिता के प्रति नमन करता हूँ, वो भी टीचर थे, मेरा 10 श्रेष्ठ बच्चों में मेरा नाम आया और मैं 10 श्रेष्ठ बच्चों में उत्तर प्रदेश तो ये सब चीजें प्रेरणा की बात है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय ज्योति किरण दत्त जी से निवेदन करूंगा मंच पर हमारे साथ में हैं क्योंकि आज संयोग से हम उनकी सेवा में आए हैं तो मैं चाहूंगा कि मुझे सेवा करने का अवसर वो सीएम जी वाला बताते हैं जो खड़े हैं अभी हमारे मध्य परमानंदी श्री पुनीत मुत्रेजा जी चीफ मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक और श्री हिमांशु धैर्या जी चीफ मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा उनके लिए तालियां बजा दें। इस तालियां आपसे इसलिए बजवा रहा हूँ क्योंकि टका धर्मम टका धर्मम 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 टके टका यश करे टका नास्ति ते हाटे टक टकायते। जीवन के लिए ये सच है कि पैसा से ही सब कुछ है मगर सब कुछ पैसा नहीं है। फिर भी विष्णु शर्मा जी पंचतंत्र में कहते हैं कि धन जो है तुमका मंदिर है और बाद में ये भी कह देते हैं कि नहीं धन अगर नहीं होगा तो आदमी कुछ कर नहीं सकता क्योंकि धन साधन है। मैं बैंक के सभी सम्मानित सज्जनों का इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और एक बार मैं कोषाध्यक्ष बना गया था, ऐसे कोषाध्यक्ष बनाए गए कि जिसकी जेब में चवंडी ना हो कहीं ना से आप कोषाध्यक्ष, तो हमने भी ऐसे दायित्व का निर्वहन किया है। बड़ा आनंद आता है आप लोगों के बीच में आकर, कुछ बातें हम मन की कहते हैं और कुछ बातें वो कहते हैं जो ऊपर से कहलवाई जाती हैं। हमारे मध्य जिन्होंने अपने जीवन के 35 वर्ष शैक्षिक जगत को दिए हैं, जिनके 175 रिसर्च पेपर्स हैं और कितने बनाने हैं अध्ययन और अध्यापन के संदर्भ में जो हमारे देश के कीर्तिमान स्तंभ हैं आदरणीय डॉक्टर डी के अवस्थी जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा उनके लिए तालियां बजाना। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगी कि हमारे इस यहाँ मानव आदर्श सेवा समिति के सौजन्य से हमारे जो अतिथि लोग आए हैं क्योंकि कार्यक्रम हमारा बड़ा है और अतिथि भी हमारे साथ है, सबके विचारों से हम अवगत होते रहेंगे और हमारा इंतज़ार हम लोग कर रहे हैं हमारे स्वामी जी का जो रास्ते में है, मुझे बहुत जल्दी हमारे समक्ष होंगे। हम अपने साथ बुलाए हैं प्रोफेसर रचना श्रीवास्तव प्रिंसिपल एपीसीएल डिग्री कॉलेज के, हमारे साथ मंच पर आए और उनसे आग्रह है कि हमारे जो ऋषि घोष प्रिंसिपल जो एपीसीएल इंटर कॉलेज के उनसे कि हमारे अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ से करें। आप दोनों से मेरा अनुरोध है कि मंच के सर का बहुत बहुत धन्यवाद है।
हमें भूमि की आवश्यकता होती है। अर्थव्यवस्था में भी सबसे पहले हम भूमि की बात करते हैं, उसके बाद संसाधनों की बात करते हैं। मैं उनसे अनुरोध है कि हमारे स्कूल के प्रबंधक जी को एक स्मृति चिन्ह के साथ साथ एक प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराएं। संस्था के सौजन्य से बिना शांति के निर्माण नहीं हो सकता, सृजन नहीं हो सकता। किया जाता है अस्तो मां सदगमय तपसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतगमय। हम असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, और अपने आचरणों के माध्यम से अमरत्व की ओर। क्योंकि मनुष्य भले चला जाए मगर उसका कृतित्व उसे हमें स्थापित करता है, हम उसे याद करते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस कार्यक्रम की ज्योति का प्रज्वलन इस समय हमारे सभी सम्मानित अतिथि कर रहे हैं। यदि आप उचित समझे तो तालियां बजा दें, अन्यथा कोई जबरदस्ती नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सर, थोड़ा थोड़ा कुछ बाद में चढ़ा दीजिए। माल्यार्पण की श्रृंखला में हमारे सभी सम्मानित जन दादा, सम्मानित मंच, माँ सरस्वती के चित्र पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करेगा। स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण, विद्यालय के संस्थापक सर आपका हो गया सर, और स्वामी विवेकानंद जी के सरकारी एपी सेन साहब के मंच के सभी सम्मानित अतिथिगण इस कार्य में सहयोग करेंगे। अब रुक जाइए, एक सज्जन रहेगा, आइए फूल दे दी है मैम। फूल ब्रह्मा जी ने मनुष्य को जीवन का व्याकरण समझाया और सिर्फ इतना कहा, वो विश्वेश्वर जगत धात्री स्थित तंगहार कारणी निद्राम भगवती विष्णु तुलाम तेजसा प्रभु। सब हो गए। इसीलिए हम सब ज्ञान साहित्य कला और संगीत की अधिष्ठानी देवी माँ सरस्वती की आराधना करते हैं। बहुत बहुत और आपके विद्यालय की छात्रा है, छात्रा के उत्साह वर्धन में क्या करना चाहिए आपको समझ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नित्य निरंतरता लगता मानवता समता मानता नित्य निरंतरता लगता मानवता समता मानता सारथि साथ मनोरथ का जो हरि नित प्रिय स्वागतम शुभ स्वागतम आप कर चुका है और आगे देखते भी पढ़ रहा है। इसी के साथ मैं नहीं वो हमारे साथ में विज्ञान कॉलेज से सम्मानित कर सके अमीनाबाद में आया और आज सौभाग्य है एमडी रॉयल विद्यालय की वर्तमान डॉक्टर नीरज जैन जी आधार पर अगर किसी का नाम मानव आदर्श सेवा समिति के तमाम सम्मानित नागरिकों पदाधिकारियों
पल्लव जी और उत्तर प्रदेश में अपना एक रिकॉर्ड बनाने वाली इस महाविद्यालय की एक शिक्षिका जो लुआक्टा की जनरल सेक्रेटरी है, वर्तमान में खुनखुनजी कॉलेज की प्राचार्य है, सम्मानित प्रोफेसर आयुष केडिया जी, प्रोफेसर डी के अवस्थी जी, इस कॉलेज मैनेजमेंट के पदाधिकारीगण, प्राचार्य प्रोफेसर रत्ना श्रीवास्तव जी, मिश्रा जी, विष्णु मिश्रा जी, इस शहर के अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता बड़े धनवान और होटल व्यवसाय के एमडी रॉयल कैफे के मुरलीधर आहूजा जी, बैंक के एजीएम और तमाम अन्य सम्मानित पदाधिकारीगण, और जिस शख्स ने हमको यहाँ पल्लव घोष से मिलवाया और आज बुलाया है वह यहाँ मौजूद नहीं है, हमारी बहुत प्रिय मिताश्री हमारी दोस्त रही है, हमारी छात्र संघ के चुनाव में उन्होंने बड़ा मेहनत की है, मिताश्री घोष जी। यहाँ उपस्थित तमाम शिक्षकों, कर्मचारियों, छात्रों, प्यारे बच्चों, मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोलूंगा और किस विषय पर बोलूंगा, लेकिन चूंकि सब जानते हैं हम सरकार की गुलामी करने वाले आदमी नहीं हैं, और उस मिशन पर, उस टॉपिक पर G20 जिसने हमको हमेशा निराश किया है, बार बार आया, उस पर हम कतई नहीं अपने विचार रखेंगे। अंशु जी भी झेल रही है, पूरा प्रदेश का कर्मचारी, शिक्षक, सब नौजवान झेल रहा है पुरानी पेंशन के मुद्दे पर। हम G20 और GSM ऐसे समिट पर हम अपने विचार कतई नहीं रखेंगे। जिस महान व्यक्ति के जन्म शती पर, जो 12 जनवरी 1863 को पैदा हुए थे इस पृथ्वी पर, जिनको स्वामी विवेकानंद जी कहा गया था, बचपन का पैदाइशी नाम नरेंद्र जी था, कुछ चर्चा उस पर करेंगे क्योंकि ये महाविद्यालय है, सरकार का कोई ऑफिस नहीं है कि सरकारी नीतियां हम लोग लागू करें। उन नरेंद्र नाथ दत्त जी के जीवन से वी ऑल शुड टेक सम लेसन, वी शुड लर्न सम लेसन हाउ ही पास हिज लाइफ। 25 वर्ष की अवस्था में आध्यात्म की ओर चल दिए। हम समझते हैं दुनिया में आध्यात्म एक ऐसा है जो मन को शांति प्रदान करता है, आज ठीक उसके विपरीत हो रहा है। आज आध्यात्म से लोग सत्ता सुख की तरफ जा रहे हैं, और अगर आप किताबों में पढ़ेंगे तो उनके जो गुरु थे रामकृष्ण देव जी, जिसके बाद स्वामी विवेकानंद जी ने उसी रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, वर्तमान के रामकृष्ण मिशन के मिशन को और उस वक्त के मिशन में, दोनों में आपको तुलना करनी पड़ेगी। ये देखना पड़ेगा कि जब वो स्वामी विवेकानंद जी उस वक्त की तत्कालीन परिस्थितियों को देख करके जो उन्होंने एक अपना संदेश दिया था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्त न हो। आज सब जगह है, सबके लक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, बस उसके माध्यम भटक गए हैं। उन्होंने कहा दुनिया एक व्यायामशाला है, यहां पर सभी अपने अपने कृत्य करते हैं। ये स्वामी जी का बहुत विशेष एक कोट था, और एक कोट था, यहां जितने शिक्षक बैठे उनसे मेरा अनुरोध है, बाकी सब अपनी मर्जी के मालिक हैं, छात्रों, एक बहुत अच्छी बात है कि स्वामी विवेकानंद जी ने बरी द पास्ट, अनलिमिटेड फ्यूचर इज बिफोर यू, अतीत को दफना दो, अनंत भविष्य तुम्हारे सामने है, इस पर आप गौर कीजिए। और बस चूंकि हम लोग एक पेशे से जुड़े हैं और उसके तहत विचार स्वतंत्र रखते हुए खुली बात करते हैं, आज हमारा देश
उस आध्यात्मिक ऊंचाई को नहीं छू पा रहा जिसको हमको छूना चाहिए था। आज तमाम नौजवान बेरोजगार हो गए। अगर आज विवेकानंद जी होते तो वो क्या सोचते कि देश किस कल्पना को लेकर के इस देश में धर्म की आध्यात्म की स्थापना की गई थी, किस तरह से मिशन्स को काम करने के लिए कहे गए थे और आज किस दिशा में चले गए हैं। अभी दीप प्रज्वलन हो रहा था तो ये चल रहा था, पल्लव जी से कहा गया, हमारे मुरलीधर भाई कह रहे थे, वो बहुत सम्मानित है, हमेशा चाहते हैं कि स्वामी जी का सम्मान हो, कि आए तो जब वो आएंगे तब दीप जलेगा, हम लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते। माता सरस्वती का और दीप प्रज्वलन का एक समय होता है, उस समय जितनी बड़ी शख्सियत हो आइए, समय से आइए, समय पर अपने विचार रखिए। साधु संत तो समाज को कुछ देते हैं, लेकिन आज आज का साधु संत कुछ समाज को दे नहीं रहा, सब ले रहा है। आप देखिए 25 वर्ष की अवस्था में जिस युवा ने, नरेंद्र दत्त ने, जिसको स्वामी विवेकानंद कहा जाता है, एक भगवा धारण किया था और चल दिए थे आध्यात्म की ओर, आज क्या हो रहा है, आध्यात्म से सब लोग भगवा धारण करके सत्ता की ओर चले जा रहे हैं। रिवर्स है, समय है, बदलता है, काल चक्र परिवर्तन इसी को कहते हैं। इसलिए हमने कई धर्म की आड़ में चांदनी रोशनी भौतिकता की ओर अग्रसर हो गए, और भौतिकता से आप आध्यात्म की तरफ जाएंगे मैं समझता हूं कतई नहीं। आज हर साधु संत आध्यात्म का पुरोहित, देखिए बड़े बड़े एसी बंगलों में, बड़ी बड़ी कारों में, करोड़ों रुपए के सोने आपको आध्यात्म का ज्ञान दे रहे हैं, आप ले लीजिए भाई। हमारा शिक्षक तो एक पेन का मालिक होता है, हमारा शिक्षक वो होता है जिसको देखते ही आत्मा से हमारा सिर झुक जाता है उसका चरण छूने को। अगर प्रोफेसर अनिल शुक्ला है, वाइस चांसलर है राजस्थान में, उनसे मिलिए, वो बताते हैं कि कक्षा 6 में मैंने पहली बार अंग्रेजी पढ़ी और आज मैं, ये गुरु का सम्मान होता है। गुरु वक्त में हम लोग आए हैं, ये जो गुरुकुल है इस शिक्षा संस्था में, अच्छे विचार लो। हम तो यहाँ बेटा कई बार आए, रश्मि श्रीवास्तव है नहीं, अभी नजर नहीं आ रही, और हो सकता है कि 9 से 12 एग्जाम चल रहा हो, ड्यूटी कर रही हो। हम कई बार यहाँ प्रैक्टिकल एग्जाम लेने आए हैं फिजिकल का, लेकिन एक मंच पर हम आपके यहाँ पहली बार आए हैं, वो भी इसलिए आ गए कि मानव आदर्श सेवा समिति है। अदरवाइज हम लोग जो है जहाँ पर भी गवर्नमेंट के एजेंडों को लागू करने का कार्य किया जाता है, वी ऑलवेज बायकॉट दैट फोरम। क्यों हम करेंगे G20 पे चर्चा, आप बताओ ना। 2014 में जो हमारी मुल्क की बेरोजगारी दर 4.2 थी, आज कैसे 8.8 हो गई, इस पर चर्चा करो, बच्चों को बताओ किस तरह से 24 करोड़ 2014 में लोग बैठे थे भुखमरी के, जो गरीब परिवार के लोग थे, कैसे केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने बजट पास करा दिया 80 लाख करोड़ रुपए का, किसके लिए, भाषा इस्तेमाल की, मुफ्त राशन बांटने के लिए 84 करोड़ के लिए। नहीं चर्चा करेंगे, गुलामी रंग रंग में बस गई है, और क्षमा चाहिएगा आपको, जिसको जो बुरा लगे लगे, हमें कोई चिंता नहीं है, हमारी जिंदगी यही सड़कों पर, जेल में, रेल में और खेल में भी इतनी खिलाड़ी हैं, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊंचाइयां हम वो छू चुके हैं जो राजनीतिक दल कभी कल्पना नहीं कर पाएंगे। शिक्षक जानते हैं क्या है, शिक्षक किसी का मोहताज नहीं होता, बस उसको एक रहती है मोहताज यार, कि मेरा बच्चा, मेरा छात्र जिसको मैंने पढ़ाया है, वो दुनिया में मेरा नाम रोशन करे, इसके अलावा उसे कुछ चाहिए नहीं, और क्या दे पाएगा कोई उसको। कलम की ताकत है, दिमाग की ताकत है उसके पास, मान सम्मान है, हम जान रहे बिक रहा है, इसके बावजूद इंस्पाइट ऑफ ऑल द ब्लडी रिचुअल्स, सारी बुराइयों के बाद भी शिक्षक ही सम्मानित है पूरी दुनिया में, कोई और नहीं है।
वो न वो जात देखता न क्षेत्र देखता है। आप तो आजकल पॉलिटिकल एजेंडा लेके चल रहे हैं, कोई कह रहा है ओबीसी का होना चाहिए, कोई कह रहा है फलाने का होना चाहिए, कोई फलाने। ठीक है, आप करो, आप बहुत अच्छे से जियो, आपको आपका राज मुबारक हो। हम हमेशा कहते हैं शिक्षक के लिए कि बेखुदी की जिंदगी हम जिया नहीं करते, मांग कर भीख हम लिया नहीं करते, गुर्बत में किसी का कसीदा लिखा ही नहीं, कीमत तो मिल रही थी पर मैं बिका नहीं, कीमत तो मिल रही थी पर मैं बिका नहीं। यही टीचर की शक्ति है, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ ए टीचर। वो अपने को बेच नहीं सकता। अंशु केडिया बताएंगे, अवस्थी जी बताएंगे कितनी बार सड़कों पर आंदोलन किए हैं। मनोज पांडे जी नहीं है, लुआक्ता का एक रिकॉर्डधारी व्यक्ति, बड़े गरीब परिवार में, बलिया से चला, विश्वविद्यालय छात्रावास से चल के और के सिख में ला के प्रोफेसर बनने तक हर संघर्ष करता है, हर विषय पर लड़ता है। तो कम से कम आज ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने की जरूरत है, ऐसे लोगों के साथ चलने की जरूरत है। इन मुद्दों पर चर्चा कीजिए ना कि हम किस तरह से अपने यहाँ ऐसे पाठ्यक्रमों को लागू करें जिनसे बच्चा पढ़ने के बाद रोजगार पाए। क्यों प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ भाग रहे हैं, क्यों हमारे मैनुअल कोर्स जो है रेगुलर कोर्सेज खत्म हो रहे हैं, क्यों आज पूरे प्रदेश में देश में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो रही है, कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। नई शिक्षा नीति आई, आप भी एग्जाम करा रहे हैं, हम इतने संवेदनशील हैं कि 12 बजे तक एग्जाम, हम 10 बजे प्रोग्राम शुरू कर देते हैं, माइक पर बोल रहे हैं तो बच्चे कैसे डिस्टर्ब नहीं होंगे। फिर हम चाहते हैं कि नकल विहीन परीक्षा हो, और सरकार पर एक परमादेश लागू करती है, कैबिनेट से पास करती है कि कोई बच्चा फेल ना हो, कैबिनेट से पास होता है कि कोई बच्चा फेल ना हो, कभी परीक्षा क्यों करा रहे हो, शिक्षा कहां जा रही है। 2022 में लोकसभा से पास होती है नई शिक्षा नीति और 2020 में लागू हो जाती है। आप देखिए, एक और चीज आपको बता दूं, नई शिक्षा नीति में कैरिकुलम आया, अवस्थी जी गौर कीजिएगा, अंशु केडिया आप और प्रिंसिपल और सारे टीचर बैठे हैं इस पॉइंट पर गौर कीजिएगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो कैरिकुलम आया है, कैरिकुलम का एक भी टीचर पूरे देश में अपॉइंट नहीं हुआ है। तो बस एक चीज आप कर लीजिए, गुरु हमेशा से पूज नहीं रहा है, उनकी आइडियोलॉजी पे बोलिए, गुरु हमेशा से पूज नहीं रहा है। और आज जिस स्थिति पर 161 वर्ष पूर्व जिस शख्स ने जन्म लिया था, आज जहां बैठे हैं, उनके उपदेशों को हम आत्मसात तो नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा था सत्य बोलो, हम कहां स्वीकार कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि सत्य सत्य ही रहता है, सत्य के तमाम पर्यायवाची हैं, और सत्य के ऊपर विजय कोई प्राप्त नहीं कर सकता, सत्य सत्य ही है, सत्य अमरवत। मुझसे पल्लव जी ने कहा स्वामी जी के बारे में बोलो। दादा स्वामी जी आ गए हैं। स्वामी जी के बारे में क्या बोलूं, स्वामी जी आएंगे खुद अपने मुखारविंद से अपने विचार लिखेंगे। आ रहे हैं, बहुत अच्छा है, आ गए हैं तो और अच्छा है, बैठे हैं ये तो बहुत अच्छी बात है। हम पीछे देख देख के बोले तो वो ठीक भी नहीं रखता, तो हो गया ना मोबाइल पर देख के नेता बोलता है, मोबाइल पर देख के ना। ठीक है स्वामी जी, आपका बहुत हम अपनी तरफ से यहाँ आपका स्वागत करते हैं, और एक चीज की मंगल कामना करते हैं कि हमारा जितना नौजवान युवा बैठा है, बच्चियां बैठी हैं, बेटा आप लोग आगे बढ़ने के लिए अपने घर में पहले माता पिता का सम्मान करो, जो माता पिता का सम्मान नहीं करते वो दुनिया में कोई भी ऊंचाई छूनेंगे तो भी खाक के बराबर है। माता पिता का सम्मान करोगे तो निश्चित तौर पे गुरु का सम्मान करोगे, और माता पिता गुरु का सम्मान करो तो यकीन मान लो दुनिया की कोई ऊंचाई आपके चरणों में ना गिरे, ऐसा हो नहीं सकता। और तमाम बच्चा है बोलेंगे, बार बार कहा जा रहा जी, बोलेंगे अब स्वामी जी बोलेंगे, मैनेजमेंट के आदमी है, थोड़ा बुजुर्ग है, हम लोग बुरा नहीं मानते हैं, आदत सी पड़ गई है, क्योंकि दो पीढ़ी का फर्क है, तीसरी पीढ़ी बोलेगी पांचवी पीढ़ी सुनेगी। तो बस हम इतना ही कहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। यही कहूंगा, जैसे आप बोलते ना हम भी बोलना जानते, बोलते नहीं वो बात अलग है। जो हिंदुस्तान
आदरणीय अवस्थी जी घोष जी के द्वारा कर रहे हैं। हाँ, सम्मानित सदस्यगण, विद्यार्थियों तथा उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्ति, आज कुलजी यादव यहाँ पर उपस्थित है, जिन्होंने ताइक्वांडो में गोल्ड मेडल जीता है। गोल्ड मेडल के लिए एपी सेन जोरदार तालियां बजाए। एपी स्वामी विवेकानंद शिक्षा का हमेशा परिवार को कह रहे हैं, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑफ द बिलीव। हमारी जितना जो पूर्णता है उसका विकास करने का नाम ही शिक्षा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी, जो दर्शन हम लोग ग्रहण कर रहे हैं और फिर दूसरे को वहां से वापस कर दे रहे हैं, इसलिए हम अग्रह रहे हैं। इंफॉर्मेशन इज टोल्ड एंड रिसीव्ड, विदाउट बीइंग रिसीव्ड आई कैन टेल यू एवरीथिंग। यहाँ पर जीवन का परिवर्तन नहीं है, वहाँ पर शिक्षा असफल है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, डू नॉट बिलीव इन दैट एजुकेशन कैन नॉट वाइप आउट द टीयर्स ऑफ द विडो और द फूट बिहाइंड द पर्सन। हमें बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं है, हम सर्वदा सोचते हैं कि किताब पढ़ना चाहिए तभी हम शिक्षित होंगे, गलत है। ये हमारे प्राचीन संस्कृति नहीं है। श्री राम अत्यक्ष ज्ञानी थे, कोलकाता के विश्वविद्यालय के बड़े बड़े पंडित वहां जुड़ करके क्योंकि 12 किलोमीटर दूर है सुबह यानी विगम जीते थे। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, वही जीते हैं जो औरों के लिए जीते, दे आर नॉट जीत टू लिव फॉर अदर्स, देयर इज मोर डेथ इन द लाइफ। हमारे भीतर जो कमियां है उसको पूर्ण करना चाहिए और उनको सेवा करना चाहिए। कितने और उनको सेवा करोगे, निस्वार्थी बनोगे, उतना ही आप शिक्षा आगे बढ़ेगा, उतना ही आपके जीवन में पूर्णता प्राप्त होगा, उतना ही आपका जीवन सफल सार्थक होगा। हम विवेकानंद के जन्म दिवस पर मैं उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ ताकि आपके आशीर्वाद से जितनी भी विद्यार्थियां हैं उनका जीवन यथा से शिक्षित हो, वो यथा कानून का बनी रहे। धन्यवाद।